महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब दिल्ली में हुई बैठक में भी नहीं मिल पाया। इधर मुंबई में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर महाराष्ट्र में नया सियासी खेला होने का संकेत दे दिया, तो सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से अपने गांव सतारा पहुंच गए। दिल्ली की बेनतीजा बैठक के बाद सब मुंबई लौट आए। एकनाथ शिंदे तो अपने गाँव सतारा पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को सीएम पद दिए जाने का विरोध तो नहीं किया, लेकिन फडणवीस के नाम पर आपत्ति जताई। कहा जा रहा है कि शिंदे ने साफ कहा कि ब्राह्मण सीएम के नीचे दो मराठा डिप्टी सीएम उन्हें कतई कबूल नहीं। हालांकि शिंदे गुट ने इन अटकलों को खारिज किया। दावा ये कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है। आने के बाद वो अभी निकल गया है, कुछ भी नाराजी नहीं है। सम्मान पूर्वक मीटिंग अमित शाह साहब के साथ हो गई है। तीन जो नेता है, देवेंद्र जी, अजीत दादा और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब, वो भी मीटिंग को थे और अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक मीटिंग हो गई। कोई भी नाराजी एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कल उन्होंने 2:30 बजे बोला था कि आज मीटिंग है। वो मीटिंग अगर नहीं होती तो फोन पे ऊपर भी बात हो सकती है ना। ऐसा क्या निगोसिएशन हो रहे हैं? परसों ही माननीय एकनाथ जी शिंदे जो केयरटेकर सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं कोई अटकाव नहीं डालना चाहता, मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता सीएम पद को लेकर। उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक महत्वपूर्ण अंग है एनडीए घटक के। और हमने जो विधिमंडल के हम सदस्य हैं दोनों सभागृह के, महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद, हमने उनको अपना नेता चुना है। जो कोई भी पार्टी की तरफ से बात करनी है या कितने पोर्टफोलियोज मांगने हैं, क्या होगा, ये सारा हमने उन पर छोड़ दिया है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में भी हमेशा बताया जा रहा है कि हमारे तीनों पक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, शिवसेना शिंदे गुट के नेता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के अजीत दादा पवार साहब, तीनों बैठ के सोच करके ऊपर आएंगे और जो कुछ डिसाइड होगा वो ऊपर बताने के बाद वो फाइनल हो सकता है, जल्दी फाइनल हो जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति को जैसा प्रचंड बहुमत मिला है उसमें बीजेपी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि शिंदे ने फडणवीस के मातहत काम करने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि जिस महाविकास अघाड़ी को चुनाव में करारी हार मिली है उसे भी सुर्खियों में रहने का मौका मिल गया। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद सबसे बड़ा खेला ये हुआ है कि एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर ली और महाराष्ट्र में नए समीकरणों के अटकलों को हवा दे दी। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि ये मुलाकात व्यक्तिगत चर्चा को लेकर थी। मैं मुख्यमंत्री से मीटिंग जरूर करने आया था, क्योंकि कुछ मेरी वैयक्तिक कामें थी तो उनसे मिलने में आया था। अरे नाराज क्यों लगेंगे? ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो आप नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़े अपनी बात रखने के लिए, चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। कल भी बैठे थे ना, तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। मंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बचे नहीं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। कल गृह मंत्री अमित शाह जी इनके घर में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और महायुति के नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। आज माध्यम में मैं देख रहा हूँ, ये मांगा, वो मंत्री पद मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, 13 मांगा, लेकिन मुझे ये जानकारी है कल सिर्फ महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र की समृद्धि और महाराष्ट्र का सुख,
इसके बारे में चर्चा हो गई। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, अच्छी बातें सब है। कल जाके बातचीत करके आए हैं और अभी हम मिले, रिलैक्स मूड में है, इसलिए वो गांव जाके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नाराज नहीं है। अभी हम लोग सब मिलके आए ना एमएलए, कुछ नाराजगी नहीं, कुछ नहीं, वो हमने उनको जो कहना है वो कह दिया। महायुति में सीएम पद पर जारी सस्पेंस के बीच महाविकास आघाड़ी के नेता अब भी इन नतीजों पर शक कर रहे हैं, चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 5 बजे जब उनके परसेंटेज दिखाया था तो उसमें 58 पॉइंट कुछ समथिंग वोटिंग दिखाया था। रात को 12 बजे उन्हें 11:59 में जो परसेंटेज दिखाया था वो था 65.2% था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो लंबी कतार लगी होंगी, दो दो तीन तीन किलोमीटर की वोटिंग पूरा होने को रहा होगा, तो ऐसे कहां कौन से जगह में इतनी लंबी कतार लगी थी, उसके वीडियोस चुनाव के पास होंगे, वो हमने मांगे हैं। लेकिन रात के 20 तारीख के 11:59 पर उन्हें ये उनका रिपोर्टिंग होने के बाद उन्हें दूसरे दिन तीन बजे और एक ट्वीट किया और उसमें उन्हें कहा कि 66.5% वोटिंग हुआ है, यानी 1.3% और वोट दूसरे दिन और बढ़ाया। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं, भाई ये वोटिंग कहां पे हुआ है, वीडियो है क्या आपके पास, फोटोग्राफीज है क्या, इतनी लंबी कतारें लगी थी रात भर और दूसरे दिन 3 बजे तक तुम्हारी वोटिंग हुई है, ये तुम्हारा कहना है, तो ये पूरे डिटेल्स हमें चाहिए, ये मांग हमने चुनाव आयोग को किया। कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, या पूरी आपकी रणनीति थी महाराष्ट्र चुनाव के लिए, जैसे ही चुनाव जीता है वही कथनी और करनी में अंतर दिख गया है कि इनके लिए ये सारी चीजें सिर्फ एक पॉलिटिकल हथकंडा है, पॉलिटिकल टूल है लोगों को बात कर रखने में। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने बांटेंगे काटेंगे और मिलकर लूटेंगे का पूरा कार्यक्रम केंद्र से लेकर महाराष्ट्र में लागू किया है। लेकिन महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि एक दो दिन में मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा, मुंबई में बैठक होगी इसके बाद। मैं मानती हूँ ये जनादेश का अनादर है। देर रात दिल्ली में हुई बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला मुंबई में होगा, लेकिन मुंबई के बाद एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले गए। सवाल है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी महायुति को मुख्यमंत्री चुनने में दिक्कत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।